relax. Take a deep breath and exhale. आज प्राणायाम में हम इतना ही करेंगे और इससे पहले कि हम अपनी रेगुलर वेट लॉस एक्सरसाइज शुरू करें, हम अगले 15 मिनट के लिए योगा फॉर नीज करेंगे, यानी कि घुटनों के लिए योग। अगर आपको आपके घुटनों में दर्द रहता है या आपको उठते बैठते घुटनों में परेशानी होती है या आपको किसी भी तरह की छोटी मोटी घुटनों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो अगले 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 15 मिनट में हम समझेंगे और कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम अपने नीज को, अपने घुटनों को प्रोटेक्ट कर सकें और उनको आने होने वाले टाइम में उनको क्षति से बचा सकें और उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग और हेल्थी रख पाएं। आपको मालूम है इस वक्त पूरे विश्व के अंदर 50% जो लोग हैं आफ्टर 50 ऑफ एज घुटनों के रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि जो आधी दुनिया है वो घुटने के रोगों से परेशान है, खासकर 50 की एज के बाद। लेकिन अब तो यंग एज में भी 30, 35, 40 की एज से भी घुटनों में जो समस्याएं हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हमें अपने नीज की हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम घुटने से जुड़ी एक्सरसाइज को करना शुरू करें, हमें पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी को समझना होगा। आपको मालूम है कि आपके जो नीज की एनाटॉमी है, जो शरीर शास्त्र के अनुसार आपके जो घुटने हैं वो आपके घुटने में दो मुख्य हड्डी हैं, दो मुख्य बोन्स हैं जो एक के ऊपर दूसरी इस तरह मेरी मुट्ठी की तरह खुलती है और बंद होती है। जब आप अपने नी को बैंड करते हैं तो वो खुलती है और जब आप अपने घुटने को सीधा करते हैं तो वो बंद हो जाती है। लेकिन इन दो मुख्य हड्डियों के बीच में एक खास प्रकार का लुब्रिकेटेड प्लेट है, या जिसको बोले कि एक लेयर है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं और जिसको देसी भाषा में ग्रीस भी बोला जाता है। तो ये कार्टिलेज ही इन दोनों मुख्य हड्डियों के बीच में रहती है और ये दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से रोकती भी है और शॉक ऑब्जर्वर का काम भी करती है और दोनों हड्डियों को आपस में अलग भी रखती है। लेकिन अगर किसी कारण से हमारा ये कार्टिलेज या ये ग्रीस अगर कम होनी शुरू हो जाए या घिसनी शुरू हो जाए या इसको किसी तरह से क्षति पहुंचनी शुरू हो जाए, तो हमारी जो फिर दो हड्डियां हैं वो आपस में संपर्क में आना शुरू हो जाती हैं और आपस में टकराना शुरू कर देती हैं, जिससे कि हमें घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस तरह का जो दर्द है इसको हम अर्थराइटिस का दर्द बोलते हैं या वायवादी का या गठिये का दर्द बोलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपकी क्या जिम्मेवारी है कि आप अपने इस कार्टिलेज को, इस जो लेयर है, इसकी जो लुब्रिकेशन है आपकी नीज की, इसको आप मेंटेन रखें, इसको कम ना होने दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो थी हमारी एनाटॉमी की किस तरह से हमारे घुटने वर्क करते हैं। अब ऐसे क्या मुख्य कारण है जिसके कारण से हमारे घुटनों में दिक्कत आनी शुरू होती है? उसमें बहुत से कारण है लेकिन जो मुख्य कारण है वो है हमारा मोटापा। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके शरीर का जो सारा जो वजन है आपके घुटनों को झेलना पड़ता है। सपोज करें कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए 60 kg, लेकिन आपने उसको गेन कर लिया 80 kg 90 kg, जो 30 kg एक्स्ट्रा वेट है अब वो आपको घुटने को हर रोज झेलना पड़ रहा है। तो इस ओवरवेट को भी आपने कंट्रोल करना है ताकि ना केवल आपके घुटने बल्कि आपकी कमर को भी इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि बढ़ा हुआ वजन आपके घुटनों के ऊपर भी जाएगा और आपकी कमर के ऊपर भी जाएगा। तो अपने वजन को कंट्रोल करें सबसे पहले। नंबर दो, अपने शरीर में वायु का ना बढ़ने दें, क्योंकि अगर आपके शरीर में अगर वायु बढ़ेगी तो बढ़ी हुई वायु आपके शरीर में जगह जगह पर, जहां पर भी उसको जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा, वहां पर जाकर बैठ जाएगी। और वायु का जो गुण या गुण कहें वो ऐसा है कि वो आपके शरीर की लुब्रिकेशन को ड्राई करता है। अगर आपके शरीर में वायु जोर से ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई तो आपके जितने ज्वाइंट्स हैं, जैसे मैंने भी बात की, जो आपका कार्टिलेज है, जो ग्रीस है, उसको वो सुखाना शुरू कर देगी। तो जब आपका कार्टिलेज सूखना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपको घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप कभी भी अपने शरीर में जोर से ज्यादा वायु को ना बढ़ने दें। आपको मालूम है जब मौसम खुश्क होता है तो जब वायु बढ़ती है
तो वो बड़ी हुई वायु हमारी स्किन को भी ड्राई कर देती है। अगर इस तरह से आप अपनी नखून से अपने आर्म पे लाइन खींचेंगे और अगर आपको व्हाइट लाइन दिखे तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई हो रही है। लेकिन ये ड्राइनेस, ये खुश्की केवल आपके बाहरी शरीर में नहीं हो रही है, ये आपके अंदरूनी अंगों में भी ये खुश्की होने लग जाती है। तो वो खुश्की होने से, ड्राइनेस होने से आपके जो लुब्रिकेशन है शरीर का वो कम होना शुरू हो जाता है, जिससे कि फिर आपको जॉइंट्स में और घुटनों में और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एक तो आपने अपने वजन को कंट्रोल रखना है और दूसरा अपने शरीर को वायु नहीं बढ़ने देना है। वायु किन कारणों से बढ़ती है? वायु अगर बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं या बासा खाना खाते हैं या बाजार का तला भुना और फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, ये सभी चीजें हमारे शरीर में गैस को, वायु को उत्पन्न करती हैं। तो इन सब चीजों, अपनी डाइट को कंट्रोल करें और हेल्थी फूड लें। नंबर दो, अगर आप देर से उठते हैं, जाते हैं, आपकी कोई जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब है और आप सही ढंग से, आपका खान पीन हेल्थी नहीं है, तो उसके कारण भी आपके शरीर में वायु बढ़नी शुरू हो जाती है। और अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते, कोई व्यायाम नहीं करते हैं, योगा वगैरह कोई भी किसी तरह की अगर आपकी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, तो उसके कारण भी आपके शरीर में वायु उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब कारणों को दूर करें और अपने शरीर के अंदर बढ़ती हुई वायु को कंट्रोल करें, ताकि आपकी बढ़ी हुई वायु आपके घुटनों को और आपके शरीर के ज्वाइंट्स को डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा आपने देखा, जब कई बार आप उठते हैं, बैठते हैं, तो उठने बैठने में जब आपके घुटने मुड़ते हैं और सीधे होते हैं तो कई बार कड़कड़ की आवाज आती है। तो इस कड़कड़ की आवाज से आपको दो मतलब निकालने चाहिए। पहला मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बॉडी। वो तब जब आपको उठते बैठते घुटनों में से कड़कड़ की आवाज आए तो उसके पीछे एक फिजिकल रीजन होता है। हमारे दोनों घुटनों के चारों ओर एक खास तरह का लिक्विड होता है, जो उस लिक्विड के अंदर एक फोम टाइप ऑफ लिक्विड होता है। जब आप उठते बैठते हैं तो उस फोम में से बुलबुले निकलते हैं। तो वो बुलबुले जब निकलते हैं, तो जब आप घुटने को बैंड और स्ट्रेट करते हैं तो वो बुलबुले फटते हैं। तो उन फटने से, उन बुलबुलों के क्रैक होने से आपको वो आवाज आती है कड़कड़ की। तो यहां तक तो ठीक है अगर इस तरह की कड़कड़ की आवाज है, लेकिन अगर आपको इस टक टक की आवाज के साथ या कड़कड़ की आवाज के साथ अगर आपको लगे कि आपके घुटनों में दर्द भी है, और दर्द के साथ साथ अगर आपको अपने घुटनों में स्वेलिंग भी नजर आए, और स्वेलिंग के साथ साथ अगर आपको लगे कि आपके घुटने कुछ लालिमा लिए हुए भी हैं, उसमें लालिमा भी आ रही है, या अगर आपके घुटने पे छूने पे अगर वो दर्द करें, या अगर आपको अपने घुटने के इन सभी लक्षणों के साथ आपको बुखार भी होता हो, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसका मतलब आपकी ये कड़कड़ की आवाज नॉर्मल नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसका जो फिजिकल ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो लक्षण है ये गठिया के लक्षण है, आर्थराइटिस के लक्षण है या और किसी सीरियस बीमारी के लक्षण है। तो आपने इनमें से कोई भी एक लक्षण हो, खाली टक टक की आवाज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बाकी के जो मैंने लक्षण बताए हैं उसमें से कोई भी अगर एक भी आपको लक्षण है तो आपको अपने फिजिशियन को चेक करना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन बात यहां तक ना पहुंचे, इतनी बात ना बढ़े, आपको उससे पहले अपने आप को क्योर करना सीखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि सभी जो कारण बताए हैं उन कारणों पे आप गौर करें और कुछ रेमेडीज करें, कुछ होम रेमेडीज करें, ताकि आपको यहां तक पोजीशन ना पहुंचे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके घुटने ड्राई हो रहे हैं तो उस ड्राइनेस को सबसे पहले दूर करें। वो ड्राइनेस कैसे दूर होगी? आप मसाज करें काले तिल के तेल के साथ या किसी अच्छी क्रीम के साथ या महानारायण आयुर्वेदिक तेल आता है उसके साथ, दोनों तीनों में से कोई सी एक चीज लें और उसके साथ अपने घुटनों पे मसाज करें। उससे क्या होगा, जब वो तेल आपके घुटनों के अंदर जाएगा, जब आप मसाज करेंगे तो आपके घुटनों को लुब्रिकेशन मिलेगा और लुब्रिकेशन मिलने से आपके घुटनों में मजबूती आएगी। और खाली बाहर से ही लुब्रिकेशन ना दें, इंटरनली भी आपको लुब्रिकेट करना है अपनी बॉडी को डाइट के द्वारा। तो हेल्थी लुब्रिकेशन लें, जैसे कि दूध है, दूध में बादाम रोगन डालकर लें, इससे आपको वेट नहीं आएगा, उस चीज की चिंता ना करें। दूध में बादाम रोगन डाल के लें तो एक आपकी पूरी बॉडी में से तरावट आएगी, चिकनाई आएगी और आपके सारे जो ज्वाइंट्स हैं, ना केवल घुटने के बल्कि आपकी कमर, कंधों, उंगलियों, सभी ज्वाइंट्स को उससे ताकत मिलेगी। तो दूध आपको जरूर पीना है, उसमें बादाम रोगन डाल के ले सकते हैं। और इसके अलावा खूब पानी पिए ताकि आपकी बॉडी
انٹرنلی بھی لوبریکیٹ رہے, اور اس کے علاوہ تھوڑی سکائی کریں. اگر آپ کو آلریڈی گھٹنوں میں تھوڑی دقت ہونے لگی ہے تو اپنے گھٹنوں کو سکائی کریں, سکائی کرنے سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ملے گی. اس کے علاوہ آپ دھوپ میں تھوڑی دیر بیٹھیں تاکہ آپ کو وٹامن ڈی ملے, اور اپنے باڈی کا کیلشیم چیک کراتے رہیں, وٹامن ڈی چیک کراتے رہیں. اور اس کے علاوہ آپ اپنے کچھ احتیاط بھی رکھیں. احتیاط آپ کو کیا رکھنا ہے, اگر آپ کو آلریڈی گھٹنوں میں درد ہونا شروع ہو چکا ہے تو آپ لمبے ٹائم تک لیگس کو بینڈ کر کے نہ بیٹھیں, سیٹنگ کراس ایکسرسائز, ہاں سیٹنگ کراس میں نہ بیٹھیں جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, لیگس کو اسٹریٹ کر کے بیٹھنا ہے. اگر آپ کو لمبے ٹائم تک بیٹھنا ہے تو تھوڑے بہت ٹائم آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں, کتنا بھی منع نہیں ہے, لیکن لمبے ٹائم تک لیگس کو کراس کر کے نہ بیٹھیں. اور آپ کی جو ٹوائلٹ سیٹ ہے وہ انڈین اسٹائل نہیں ہونا چاہیے, وہ ویسٹرن اسٹائل اپنی سیٹ کو رکھیں تاکہ آپ کو اپنی لیگ پہ زیادہ جوڑ نہ پڑے, اور زیادہ ٹائم تک کھڑے نہ رہیں. اگر آپ کا ویسے بھی اوور ویٹ ہے پھر تو آپ کو زیادہ ٹائم ویسے بھی کھڑے نہیں رہنا ہے. اور جب آپ ایکسرسائز کریں تو جو ایکسرسائز آپ کو منع کی جائے گھٹنوں کے لیے ان کو آپ مت کریں. اور جب آپ جمپنگ کریں, جمپنگ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ فلیٹ پیر کے ساتھ جمپ نہ کریں, کہ آپ نے پورا کا پورا فلیٹ پیر جو زمین پہ نہیں لے کے آنا ہے, صرف پنجے کے بل جمپ کریں, ایڈیوں کو زمین پہ ٹچ نہ ہونے دیں. اور جب آپ جوگنگ کریں, رننگ کریں, مان لیجیے آپ گارڈن میں جوگنگ کر رہے ہیں, رننگ کر رہے ہیں, تو ہمیشہ شوز ڈال کر کریں. بنا شوز کے یا چپل میں یا ننگے پیر آپ کو جوگنگ نہیں کرنی ہے, رننگ نہیں کرنی ہے. اور جب یہاں پر بھی کلاس میں بھی آپ جوگنگ کریں تو آپ کو شوز تو آپ نہیں ڈالتے ہیں, لیکن اپنے میٹ کو آپ تین یا چار فولڈ میں ڈال کر پھر اس کے اوپر جمپ کریں یا جوگنگ کریں تاکہ آپ کے گھٹنوں کے اوپر کوئی پریشر نہ آئے. تو ان سب چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے علاوہ آپ ہر روز گھر پہ, اگر آپ کو آلریڈی وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کو تھوڑا بہت گھٹنے میں پین رہتا ہی ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کافی لوگ ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو ابھی ہم ایکسرسائز کریں گے ان ایکسرسائز کو آپ نے گھر پہ ریگولر کر رہا ہے 15 منٹ کے لیے. تو جب آپ یہ ایکسرسائز گھر پہ ریگولر کریں گے اور اگر آپ کو شروعاتی طور کا بھی پین ہے تو یہ آپ کا ودن ویک آپ کا جو ہے درد ہے وہ غائب ہو جائے گا. تو کیسے اس ایکسرسائز کو کرنا ہے اب ہم وہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنی دونوں لیگس کو اپنے سامنے اسٹریٹ کریں,